मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सावरकर के विरोधियों को अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मंत्री सुनील कुमार का विवादित बयान। कल शिमोगा में हुए घटना के बाद राज्य के बीजेपी सरकार में मंत्री रहे सुनील कुमार ने उडुपी में बयान दिया कि सावरकर के विरोधियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका विरोध यानी देश की आज़ादी का विरोध है, कहा मंत्री सुनील कुमार ने। मंत्री जी शायद जानते नहीं कि सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई में ना के बराबर अपना योगदान दिया है, और कई इतिहासकारों का कहना है कि सावरकर अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए थे, पहले जनता की समस्याओं पर काम करें मंत्री जी, बाद में सावरकर को महात्मा के दर्जा दें, एक जनप्रतिनिधि होकर आरएसएस संघ परिवार का गुणगान गाना कहां तक सही है, कह रहे हैं समाज चिंतक। मुसलमानों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो बीजेपी वाले इस्तीफा देकर घर चले जाएं, प्रमोद मुतालिक का विवादित बयान। जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक प्रमोद मुतालिक पर जातिवाद से जुड़े 200 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई अब तक। इस नफरत बांटने वाले कीड़े पर अब कह रहा है कि बीजेपी वाले अगर मुसलमानों को हद में नहीं रख सकते तो इस्तीफा दें और घर चले जाएं, इनसे नहीं हो पाया तो हिंदू संगठनों की ओर से मुसलमानों को सबक सिखाया जाएगा। वाह, कितनी आसानी से कह दिया इस नफरती इंसान ने, क्या देश और राज्य में बीजेपी सरकार मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए बनी है या जनता के भलाई के लिए, या फिर ऐसे लोगों का आदेश पालन करने के लिए बनी है? क्यों श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक जब जब बयान देते हैं, आज तक रत्ती बराबर भी बीजेपी सरकार ने कार्रवाई नहीं की? ये भड़काऊ भाषण नहीं तो क्या देशभक्ति का संदेश है? प्रजा प्रभुत्व को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, सिद्धरामैया बेंगलुरु बसवनगुड़ी में कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का सपना देखा था, जो आज भारत इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी जातिवादी और गंदी सियासत जिंदा है समाज में, इसीलिए देश के हर एक नागरिक को सम्मान दिलवाने के लिए एकजुट होकर प्रजा प्रभुत्व की रक्षा करनी होगी, कहा हम सबको सिद्धरामैया ने। भारी बारिश, कई गांव बाढ़ की चपेट में। राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते बागलकोट जिला में रहे गटपरबा नदी पूरे उफान पर बहने लगी है, जिससे जिले के कलादगी गांव में बाढ़ आने का पूरा अंदेशा जताया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से जमकंडी तालुका के मुद्दूर और तुबची गांव के लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने का काम किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। पालिका की ओर से एनक्रोचमेंट के नाम पर मस्जिद पर चला बुलडोजर। मैसूर महानगर पालिका की ओर से इरविन रोड पर एनक्रोचमेंट के नाम पर 97 साल पुरानी मस्जिद के कंपाउंड और मस्जिद के कुछ हिस्से पर भी पालिका का बुलडोजर चला है। इसके बाद इस मस्जिद के लिए 4 करोड़ मदद देने का वादा पालिका ने किया है, जिसका अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के वादे सिर्फ भाषणों में सुनने को मिलते हैं, जनता तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर हिंदू एक बार भड़क गए तो मुसलमान नहीं बचेगा, ईश्वरप्पा का विवादित बयान। शिमोगा में हुए घटना के बाद पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने विवादित बयान दिया है कि अगर हिंदू भड़क उठे तो एक भी मुसलमान बचेगा नहीं, कहा ईश्वरप्पा ने। कितनी आसानी से विवादित बयान देते हैं ऐसे नेता पुलिस विभाग, अगर यही बयान कोई आम आदमी देता तो तुरंत गिरफ्तार करके उसकी कुटाई करती, लेकिन ये तो नेता हैं, इन पर कैसे मुकदमा चलाया जा सकता है? अगर चलाया भी गया तो क्लीन चिट मिल जाती है। कर्फ्यू के बीच बजरंग दल कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। कल शिमोगा जिले में सावरकर की तस्वीर को लेकर हुए हंगामे में प्रेम सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था, जो अब हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है। आज फिर दोबारा शिमोगा जिला भद्रावती के नेहरू कॉलोनी निवासी सुनील पर भी कुछ बदमाशों की ओर से चाकू से
वार किया गया है। सुनील एक बजरंग दल कार्यकर्ता होने की बात पता चली है। हिंदू कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल शिमोगा शहर में सावरकर की तस्वीर को लेकर बड़ा हंगामा और मारपीट हुई थी, जिसमें हिंदू कार्यकर्ता प्रेम सिंह को चाकू से मारने से घायल का हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इस घटना में पुलिस ने नदीम और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। बचा एक आरोपी जैबुल्ला उर्फ चर्बी नाम से मशहूर पुलिस की पकड़ से भाग निकला, तो पुलिस ने पैर पर गोली चलाकर इस आरोपी को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है। लाठी लेकर सिटी राउंड्स लगाया एडीजीपी आलोक कुमार ने। शिमोगा में सावरकर की तस्वीर से शुरू हुआ विवाद अब कई इलाकों को घेरने लगा है। इसी के चलते आज मौके पर पहुंचे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी आलोक कुमार ने खुद हाथों में लाठी लेकर अपना कर्तव्य निभाते हुए नाजुक इलाकों में राउंड्स लगाकर कोई अनहोनी घटना न घटे इस पर नजर रखी हुई है, पुलिस विभाग कहा। और शहर में सेक्शन 144 लागू करके किसी भी घटना की रोकथाम के लिए तैनात है पुलिस बल इन इलाकों में। रिश्वत नहीं तो गन से मारने की धमकी दी फॉरेस्ट गार्ड ने। चामराजनगर जिला हनूर तालुका के मले महादेश्वर फॉरेस्ट संरक्षण केंद्र में फॉरेस्ट गार्ड के अहदे पर तैनात मोहन नामी कर्मचारी ने लारी को पालरा चेकपोस्ट पार करने के लिए 100 रुपये रिश्वत दे वरना गन से मारने की धमकी दी है। चालक और क्लीनर को, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जनता की ओर से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पद से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। खुलेआम राशन चावल की चोरी। बेंगलुरु दक्षिण मतक क्षेत्र के हनुमंत नगर में खुलेआम राशन कार्ड के बिना ही कार में 50 किलो के 2 बोरियों को ले जाते नजर आया एक शख्स। गरीब जनता को देने वाले राशन के चावलों की चोरी, इसके बाद स्थानीय फूड अधिकारी हो या कोई जनप्रतिनिधि की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कह रहे हैं यहाँ की जनता। जेल जाकर बंदूक की गोली खाकर गणेश उत्सव मनाएंगे भगवा संगठनों की जिद। बेंगलुरु चामराजपेट में रहे ईदगाह मैदान में कुछ भगवाधारी संगठनों की ओर से जिद की जा रही है कि इस बार गणेश उत्सव के चलते गणेश की मूर्ति बिठाकर त्यौहार मनाया जाएगा। ये हिंदुओं का देश है, यहाँ पर हमारा सिक्का चलेगा, चाहे सरकार हमें गोली से मारे या जेल में क्यों ना डाल दे, गणेश उत्सव हर हाल में मना कर ही रहेंगे, कह रहे हैं ये संगठन। शांति से रहे समाज में नफरत बांटने से इन्हें कौन सा पुरस्कार देगी सरकार। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।